खाचरौद से शातिर चोरों को खाचरौद पुलिस ने धर दबोचा। नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण पुलिस ने किए बरामद। 40 फीट गहरे कुएं के पानी को खाली करवाकर पुलिस ने निकलवाए सोने चांदी के आभूषण। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने चोरी की घटना का खुलासा किया। सभी आरोपी खाचरौद के निकले। 5 से 6 दिसंबर की रात्रि को गुरु नानक मार्ग रावली स्थित विजय सैगल के सोने मकान का ताला तोड़कर बदमाश नकदी सहित लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात ले उड़े। वारदात के बाद उज्जैन ग्रामीण एडिशनल एसपी नितेश भार्गव खाचरौद पहुंचे, जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपियों की धरपकड़ के निर्देश खाचरौद पुलिस को दिए। तकनीकी जांच और साइबर टीम की मदद से पुलिस के हाथ आरोपियों तक पहुंचे। चोरी की इस घटना से पुलिस ने पर्दा उठाते हुए चोरी की घटना में शामिल खाचरौद के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी किया गया नकदी सोना चांदी जेवरात सहित तकरीबन 6 लाख रुपए का माल बरामद किया है। उज्जैन एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि चोरी की वारदात में खाचरौद गैंग शामिल थे, जिन्होंने वारदात को अंजाम देने से पहले दिन ही दोपहर को मकान की रेखी की और रात में चोरी के वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने वारदात में चोरी किया माल कब्रिस्तान में गड़ा था और कुछ माल भातखेड़ी स्थित कुएं में फेंक दिया था। खाचरौद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर कब्रिस्तान तक भातखेड़ी रोड स्थित 40 फीट कुएं में पानी को खाली करवाकर माल बरामद किया। वारदात में चोरी किया गया 6,49,700 का माल पुलिस ने आरोपी से बरामद किया है। चोरी की इस पूरी वारदात के खुलासे में उज्जैन साइबर पुलिस एवं खाचरौद पुलिस का सराहनीय योगदान रहा है, जिन्होंने लगातार 6 दिनों तक मेहनत करते हुए वारदात में शामिल सभी आरोपियों को पकड़कर माल की बरामदगी की है। चोरी की इस घटना में शामिल सभी आरोपी खाचरौद के निवासी है, जिनके ऊपर पहले से कई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। ये 6 तारीख को 6 दिसंबर को एक सोने मकान में चोरी की गई थी, जिसकी हम लोगों ने तत्काल रिपोर्ट पंजीबद्ध करके संज्ञान लिया गया। इसमें हमारे खाचरौद की टीम ने एसडीपी खाचरौद टीआई खाचरौद ने लगातार जो है 3-4 दिन की सघन मेहनत की और हम लोगों ने एक अच्छे सुगठित गैंग का जो पर्दाफाश किया है। इस गैंग के ऑपरेशनल जो सदस्य थे सब लोग खाचरौद के थे। 4 लोगों का गैंग था जो माल खरीद कर एक व्यक्ति को बेचते हैं और तत्काल चोरी करने के बाद ये अपना माल जो डिस्पोजल करने के लिए एक बावड़ी में उन्होंने कुछ सोना फेंका है, कब्रिस्तान में कुछ माल गाड़कर छुपाया है और उसके बाद भोपाल इज्तिमा में और उदयपुर अपने अपने पुराने ठिकानों पर रवाना हुए थे। तो टीम ने टेक्निकल इंटेलिजेंस और इनपुट निकालकर लोकल की मुखबिरी से पता करके लोकल के कैमरे खंगाल कर पूरा इनका रूट ट्रैक किया और उदयपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, दूसरा भोपाल इस्तेमाल से लिया, बाकी 2 लोग यही मिल गए थे हमको। और पूरा माल लगातार अच्छे लंबे इंट्रोगेशन के बाद 90% माल हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। 7.5 लाख की चोरी में 6.5 लाख हम लोग रिकवर कर चुके हैं, जिसमें से बावड़ी में से लगातार 12-14 घंटे मोटर चलने के बाद खाली करवाया गया और वहाँ से गोल्ड निकाला गया है और कब्रिस्तान से खुदाई करके गोल्ड निकाला गया है। इनके सभी के आपराधिक रिकॉर्ड है, 4-4, 5-5 इनके आपराधिक रिकॉर्ड खाचरौद थाने पे है। अभी चूंकि हम लोग प्राइमरी स्टेज में है, इनका पीआर लेने के बाद इनका और भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, तो आसपास के जिलों से या थानों से और भी हम रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं, तो जैसा इसमें और भी अगर कुछ पाया जाएगा तो और भी हम आगे खुलासे करेंगे। खबर भारत वर्ष के लिए उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।